शॉर्ट सर्किट से गरीब की झोपड़ी में लगी आग, लड़की की शादी में देने के लिए रखा गया सामान जलकर हुआ खाक। अतरौलिया पुरवा गांव में बीती रात लगभग 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से एक गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लग जाने से लड़की की शादी में देने के लिए बनाकर रखा गया सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, मई माह में लड़की की शादी होने वाली है, इसकी तैयारी चल रही थी कि परिवार के लोग खाना पीना खाकर सो गए, अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। किसी प्रकार स्थानीय लोगों की मदद से झोपड़ी में बंधी गाय को बचा लिया गया, लेकिन इसी झोपड़ी में लड़की की शादी में देने के लिए रखा गया सामान आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसी झोपड़ी में गैस सिलेंडर भी रखा था, जिसको आग की लपट ने अपनी आगोश में ले लिया और आग की लपटें और भयानक हो गईं। स्थानीय लोगों की सहायता से किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया। बेटी की शादी में देने के लिए गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करके दहेज में देने के लिए टीवी, सूटकेस, कूलर, साड़ी, कपड़े, गहने, गेहूं, चावल इकट्ठा किया था। इस भीषण अग्निकांड में सब कुछ जलकर राख हो गया और गरीब परिवार पूरी तरह बिलख रहा है और उनके अरमान पर पूरी तरह पानी फिर गया है। शॉर्ट सर्किट से लगी इस भीषण आग में गरीब परिवार का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह ने बताया कि रात लगभग 2:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास नाकाम रहा और गरीब परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर पूरी तरह राख हो गई। बेटी की शादी के लिए यह गरीब परिवार पाई पाई इकट्ठा करके इसकी तैयारी के लिए जुटा हुआ था। हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को इसकी जानकारी दे दी गई है। बिजली विभाग की लापरवाही जाहिर हो रही है। आग लगने की घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग को सूचित करने के लिए फोन किया गया, लेकिन किसी का फोन नहीं रिसीव हुआ। आइए सुनते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। क्या नाम चाची? चंद्रमी। कहाँ घर है? अतरौलिया पुरवा। कैसे आग लगी रही है? आग लगल रहा लाइनी से, अब रात में 2 बजे रात का लगल है। अब हमार कुल करकट जर गया, गल्ला जर गया, लड़की के शादी का कुल सब उठुआ रहा, सर सामान में रखा लाल, साड़ी फाड़ी सब जर गई, बर्तन बर्तन कुल खाई बनाई चूल उल कुल हुआ देखा साहब। हाँ टीवी हुआ देखा साहब, सामान में जर गई। और झोपड़ी में क्या क्या था आपके? का ही है, जानवर भी थे? हाँ, 2-8 गाय थे, भैंस रहा लिए, वो तो काट काट सब कई लता उन्हें पर भैंस के लग गया लाल है। हाँ जी, कोई अधिकारी आया, लेखपाल आया, कोई देखने आया आप लोगों को? नहीं अभी ना है साहब, क्यों ना है? विभाग का कोई कर्मचारी आया देखने? नहीं अभी अज्ञाने आया लाना है। आग कैसे, आग पे काबू कैसे पाया गया, कौन बुझाया आग? जनता बुझावला है।